यहाँ देखेंगे। सर ईडी ने बुलाया था, क्यों नहीं गए सर? सर 3 हफ्ते का समय मांगा था आपने ईडी से। अब देखिए, क्या आपको लगता है कि हम लोग चोर उचक्के हैं? क्या लगता है कि कोई हत्यारे हैं? कल दिया आज आ गए, क्या हमारी व्यवस्था नहीं है? आज इस महोत्सव में शरीक होने का आमंत्रण मैंने पहले हम लोगों ने तय कर लिया था। हर चीज का एक शिष्टाचार है, हर चीज का एक व्यवहारिक आचरण है। मुझे लगता है कि ये भी ध्यान रहना चाहिए। आज हमारे राज्य में राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं, अगर इतना ही संगीन गुनाह है उनको लगता है तो सम्मन क्यों? सीधे आकर के अरेस्ट हो जाना चाहिए, ले जाना चाहिए। कहां हमने मना किया? ये सम्मन उम्मन दे करके एक योजनाबद्ध तरीके से जब सरकार को लेकर बेमौसम होली दिवाली फटाके मिठाई बांटते हैं, राज्य में उत्साह का माहौल रहता है, तो हमारे विपक्ष का एक सुनियोजित षड्यंत्र, और मैं समझता हूं कि ईडी का संबंध नहीं, बीजेपी के द्वारा उपयोग किया गया हथकंडा। तो आदिवासी लीडर को परेशान किया गया, बात में जाएंगे क्या सर? यहां देखेंगे। ईडी ने आपको बुलाया था लेकिन आप क्या समय चाहे गए सर? क्यों नहीं गए? सर ईडी ने बुलाया था, क्यों नहीं गए सर? सर 3 हफ्ते का समय मांगा था आपने ईडी से। अब देखिए, क्या आपको लगता है कि हम लोग चोर उचक्के हैं? क्या लगता है कि कोई हत्यारे हैं? कल दिया आज आ गए, क्या हमारी व्यवस्था नहीं है? आज इस महोत्सव में शरीक होने का आमंत्रण मैंने पहले हम लोगों ने तय कर लिया था। हर चीज का एक शिष्टाचार है, हर चीज का एक व्यवहारिक आचरण है। मुझे लगता है कि ये भी ध्यान रहना चाहिए। आज हमारे राज्य में राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं, अगर इतना ही संगीन गुनाह है उनको लगता है तो सम्मन क्यों? सीधे आकर के अरेस्ट हो जाना चाहिए, ले जाना चाहिए। कहां हमने मना किया? ये सम्मन उम्मन दे करके एक योजनाबद्ध तरीके से जब सरकार को लेकर
बेमौसम होली दिवाली फटाके मिठाई बांटते हैं, राज्य में उत्साह का माहौल रहता है, तो हमारे विपक्ष का एक सुनियोजित षड्यंत्र, और मैं समझता हूं कि ये ईडी का संबंध नहीं, बीजेपी के द्वारा उपयोग किया गया हथकंडा। तो परेशानी आदिवासी लीडर को परेशान किया गया, बात बताएंगे क्या सर?